हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूर्वा। वेलकम बैक टू अवर चैनल हर सोलंकी रिएक्ट। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत ही पुरानी चीज़ पे होगी। एक्चुअली मल्लेश्वरी मूवी है जो वेंकटेश की है और कैटरीना कैफ की है। मैंने कैटरीना कैफ को पहली बार कोई साउथ मूवी में इसी में ही देखा है। मतलब मुझे पहले पता नहीं था कि उन्हें साउथ मूवी से स्टार्ट करा है। मतलब जो साउथ मूवी में भी है वो, मुझे पहले लगता था कि वो बॉलीवुड में। बाकी मैंने पिछले साल ही उनकी मूवी देखी थी मल्लेश्वरी। सो आज हम उसका ट्रेलर देखेंगे। आई नो बहुत पुराना है, बाकी आज पुरानी चीज को भी कभी कभी एंजॉय करना चाहिए। सो आज देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमो वेंकटेश। अच्छा, हीरो भी वेंकटेश है। నా క్లాస్మేట్ సందర్కి పెళ్లి ఇలా ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పుట్టేశారు. ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నానో తెలుసా? అసలు మీ వాడికి పెళ్లిగేత ఉందో లేదో. బహుత్ యంగ్ లగ్ రహి కేటరీనా కైఫ్ ఉస్ టైమ్ పే. ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో డిన్నర్ చేయట్లంట. తినేటప్పుడు బానే ఉంటుంది కానీ బిల్లు కట్టేటప్పుడు బాధగా ఉంటుంది. నీ నవ్వులే వెన్నెలని మల్లెలని హరి విల్లులని ఎవరేవే మొహంతే అనని ఎంచపని ఏవి చాలవని అని బలే తిట్టారండి. నిజం చెప్పు, మీకు కొంచెం కాపం ఎక్కువ అనుకుంటండి. ఇంకా ఎంత దూరం అమ్మా? సార్ నిన్న నమ్మంటో నాకు నచ్చలేదు సార్. అలాగేరా సార్, బిహైండ్ ఎవ్రీ గ్రేట్ ఫార్చ్యూన్ దేర్ ఇస్ ఎ క్రై. నానని చంపితే ఉద్యోగం వస్తుంది, అమ్మని చంపితే బంగారం వస్తుంది, ఆడపిల్లని చంపితే ఆస్తి వస్తుంది. ఇలాంటి నీచమైన ఆలోచనలు మానే. పని చేసి చేతి అడగచ్చు, అప్పి చోటి అడగచ్చు. ఈ మూవీ బహుత్ ప్యారీ హై సచ్ మే. థాంక్స్ అడపో. ప్రెజెంటింగ్ హర్ హైనెస్ Miss Malleshwari, the princess of Mirzapuram. Glass. Oh, I'm sorry. Bondi, bendi dan kunta? Avundi. Andi ke adiga steel glass ekke nenu adiga dani ka. Eighteen years of Malleshwari. एंड गाइज, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे ट्रेलर, छोटा सा था। एंड और मैंने एक्चुअली इसको हिंदी में देखा था। स्टार्टिंग ही मुझे इतनी अच्छी लगी थी। एक एक बिल्कुल ड्रीमी ड्रीमी टाइप था उसमें। एक वो मतलब रानी, मतलब राजकुमारी रहती है, एक उसके दादाजी, मतलब एक बड़े से महल में रहती है दादाजी के साथ। और मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे एकदम क्रेज़ हो गया था देखने का कि अब पूरी क्या होगी आगे मूवी। एंड बिलीव मी, मूवी जिसने नहीं देखी वो भी देखना, बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे। काफ़ी ज़्यादा उसमें एडवेंचर था और वो मतलब मैं आपको स्टोरी यहाँ बता दूंगी तो सारा कुछ रिवील हो जाएगा। लेकिन बहुत सारों ने देख भी लिया और जो जिसने देखी वो समझ सकता है कि ये मूवी कितनी ज़्यादा अच्छी थी। सभी कैरेक्टर्स जो पुराने पुराने थे वो मैंने देखे, अभी भी वो वर्क करते हैं इंडस्ट्री में, जो इतने पुराने कैरेक्टर्स है, लाइक ब्रह्मानंदम है और जो दादाजी का तो नहीं पता, बाकी उसमें और भी कैरेक्टर्स है जो अभी तक वेंकटेश खुद अभी भी मूवी में आते हैं। अभी एंटम्मा सॉन्ग में भी थे वो, मतलब वाली मूवी में। एंड कैटरीना कैफ भी उस टाइम पे यंग एज में बहुत ही ज़्यादा मुझे उनका बहुत ही अच्छी लगती थी पहले भी, और अभी तक भी उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन की। एंड ये मूवी बिल्कुल आपको बोर नहीं करेगी, जिसने नहीं देखी हो प्लीज़ देखना। एक्चुअली पुरानी मूवी से है ना एक चीज़ देखने को ये मिलती कि उस टाइम पे कैसा मूवी का स्टैंडर्ड हुआ करता था। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉट जस्ट कि आपको स्टोरी देखने को मिलती, बट उस टाइम पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी, कैसी कैसी कार यूज़ होती थी, मतलब आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें इन्जॉय करने को मिलती। हम जैसे घर में जैसे पुरानी चीज़ कुछ भी चलती तो हम डिस्कशन करना चलते हैं कि देखो पहले कैसा फ़ोन होता था, पहले कैसी कार होती थी, तो वो देखने का भी अलग ही इन्जॉयमेंट है। तो आज की वीडियो में कह सकता है ये मूवी मतलब मैं 4-5 बार 10 बार भी देख लूँ तो मैं बोर नहीं होंगी। ये तो मेरा मतलब मूड, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसी लगती है मूवी प्लीज़ मुझे कमेंट करना। एंड नेक्स्ट हम कौन से ट्रेलर पे रिएक्ट करें वो भी प्लीज़ कमेंट करना। आज की वीडियो में गाइस तब तक ही, आज की वीडियो में गाइस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।